देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में खाना बनाने की बात को लेकर दो मजदूरों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि एक मजदूर ने दूसरे मजदूर के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जाँच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। इंदौर में एक बार फिर से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दो लोगों के बीच हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मौत के घाट ही उतार दिया। घटना सांबे रोड स्थित जी सेक्टर की रिद्धि सिद्धि फैक्ट्री की है। यहां पर काम करने वाले कर्मचारी धन प्रसाद अपने भतीजे के साथ यहाँ पर रहता था। वहीं एक अन्य कर्मचारी हरीश भी यहीं पर काम करता था। दोनों के बीच देर रात खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में हरीश ने धन प्रसाद के सिर पर लोहे की टॉवी से वार कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हरीश मौके से भाग गया था। वहीं चौकीदार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो मृतक और आरोपी ने घटना से पहले साथ बैठकर शराब पिए थी और इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया था। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। ये आज रात की बात है, जो पांडा क्षेत्र में सागर रोड पर सेक्टर डी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर रिद्धि सिद्धि करके एक फैक्ट्री है, जहाँ पर वहाँ पर जो वर्कर थे वो काम करते थे। तो वहाँ पर धन प्रसाद जो मृतक है, वो धन प्रसाद वहाँ पर अपने भतीजे के साथ रहता था और कुछ दिनों से देवास में जो वर्कर था वो रहता था, उसका नाम था हरीश। हरीश दो तीन दिन से इसके साथ रह रहा था। खाना बनाने की बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ। उस विवाद के दौरान ही आरोपी हरीश ने मृतक धन प्रसाद के सर पर लोहे की टांगी से वार किया और शरीर पर मारे, जिससे उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। मृतक का बैकग्राउंड? दोनों ही वर्कर हैं और उस फैक्ट्री में काम करते थे। जो मृतक है वो बेसिकली सागर का रहने वाला है और जो आरोपी है वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। ये जैसी घटना चौकीदार को पता चली तो चौकीदार ने इस घटना को देखा और उसके बाद आरोपी को भागते हुए देखा। पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को आसपास काफी तलाश करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।